संजय पासवान जी सही बात कहा, और सही बात किसी के मुंह से निकल ही जाता है। और ये सही बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर वो एनडीए के साथ नहीं होते तो शायद बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती बिहार में। 40 में 40 आ गए, जाने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी चुनाव जीता है बीजेपी के लोग वो नीतीश कुमार जी के बल पर ही चुनाव जीता है। आप लोग के साथ होते तो कितने सीट जीते? हम 40 में 40 चुनाव जीतते हैं, 40 में 40 जीत, एकदम निश्चित। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि अब जो है अपराधियों की खैर नहीं, एनकाउंटर की गूंजेगी अब चारों तरफ। अरे अब तो एनकाउंटर इनके किसी की बात की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री किसी को गोली मारे, कानून अपना काम करेगा। कह रहे हैं कि काम करने की बात, लेकिन इस काम को लेकर के तो सीएम नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि जो भी काम किए अब तक तो सीएम नीतीश कुमार किए हैं। नहीं, वो जरूर थे मुखिया, लेकिन काम किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और उन्होंने दिमाग दिया और सुझाया और बताया कि ऐसे किया जाता है काम। बिहार के सीएम नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो उस समय लगातार बीजेपी के नेता कहते थे कि बिहार में 40 में 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन देखिए, सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ करके बीजेपी के साथ आते हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाता है, उसके बाद बिहार की जनता जो है 30 सीट पर एनडीए को समेट देती है। लेकिन अब देखिए, इसी बीच बीजेपी के नेता हैं वो कह रहे हैं सीएम नीतीश कुमार अगर हमारे साथ नहीं आते तो हम जीरो पर सिमट जाते। इसी बात करने के लिए हमारे साथ राजद के गद्दावर नेता और विधायक है भाई वीरेंद्र। कैसे देख रहे हैं संजय पासवान के बयान को? नहीं, संजय पासवान जी सही बात कहा, और सही बात किसी के मुंह से निकल ही जाता है। और ये सही बात है कि माननीय नीतीश कुमार जी अगर वो एनडीए के साथ नहीं होते तो शायद बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती बिहार में। लेकिन उससे पहले तो 24 के पहले से तो वो लोग दम भर रहे थे ना कि 40 में 40 दम भरने से क्या होगा, 40 में 40 आ गए, जाने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन जो भी चुनाव जीता है बीजेपी के लोग वो नीतीश कुमार जी के बल पर ही चुनाव जीता है। आप लोग के साथ होते तो कितने सीट जीते? हम 40 में 40 चुनाव जीतते हैं, 40 में 40 जीते, एकदम निश्चित रूप से। संजय पासवान ने यह भी कहा है कि इस बार जो है जाति और धर्म का ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है, इसलिए जो है 30 सीट। ये बात सही है कि देश की जनता धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले को धत्ता ईश्वर बताई है, और नफरत फैलाने वाले कोई भी व्यक्ति को इस पर जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। देश चाहती है विकास, नौजवान चाहते हैं नौकरी, और बेरोजगार जो चाहते हैं वो नौकरी, और जो बिजनेसमैन है, छोटा मोटा बिजनेसमैन है, वो अपनी रोजी रोटी के लिए काम करना चाहता है। और राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिसको जनता ने नकारने का काम किया है। 2025 को लेकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार उधर हैं, तो क्या लग रहा है फिर से एनडीए की सरकार? हमारी सरकार बनेगी, जनता बिहार के नौजवान सब तेजस्वी यादव को चाहते हैं, इसलिए कि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में काम किया है और कर दिखलाया है, देश और दुनिया के सामने नज़ीर पेश किया है कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि काम करने की बात, लेकिन इस काम को लेकर के तो सीएम नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि जो भी काम किए अब तक तो सीएम नीतीश कुमार किए हैं। नहीं, वो जरूर थे मुखिया, लेकिन काम किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, और उन्होंने दिमाग दिया और सुझाया और बताया कि ऐसे किया जाता है काम, और वो कर दिखलाया। लेकिन वो लोग तो कहते हैं कि 2005 से पहले इनके माता पिता भी थे, लेकिन इस तरह का काम कहाँ करते थे जो अभी? 2005 के बाद ये भी रहे हैं तो नौकरी कहाँ दिए हैं? एक भी नौकरी दे पाए हैं क्या? 17 साल रहे हैं, 16 साल, तो ये कहाँ नौकरी दे पाए हैं? जब तेजस्वी यादव सरकार में शामिल हम लोग शामिल हुए तो नौकरी दिए। आप नौकरी की बात करते हैं, उधर जो है आप लोग के जो महागठबंधन के समय टेंडर पास हुआ था, उस टेंडर को तो अब सरकार ने रद्द कर दिया है, पुनः टेंडर। जानते हैं कि चुनाव आने वाला है, सब पैसा वसूली करने के लिए सब काम किया जा रहा है, और एक ही आदमी को कई जगह हलाल करेगा लोग, और इन लोगों का काम ही है बीजेपी वाले को पैसा वसूलना, देश की गाड़ी कमाई को पूंजीपतियों के बीच में बांटना, इन लोगों के अलावा और कुछ काम ही नहीं रह गया। लोग तो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि जब सरकार में थे तो लूटने का काम किया, जांच चल रही है। अब जान रही है जनता कि कौन लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं, और जनता समय आने पर बताएगी, इन लोगों का हिसाब किताब लेगी। एक आखिरी सवाल लेंगे, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि अब जो है अपराधियों की खैर नहीं, एनकाउंटर की गूंजेगी अब चारों तरफ। अरे अब तो एनकाउंटर इनके किसी की बात की हिम्मत नहीं है कि मुख्यमंत्री और मंत्री किसी को गोली मारे, कानून अपना काम करेगा, और कानून के हाथ में जो आएगा, जो दोषी पाएगा, उसको कानून ही गोली मारेगी या जेल में भेजेगी। किसी मंत्री और नेता को हिम्मत नहीं है, उसकी बात की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, तो
तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे राजद के कद्दावर नेता और विधायक भाई बीरेंद्र। तमाम सवालों का जवाब दिया, साथ ही साथ कहा है कि जिस एनकाउंटर की बात कर रहे हैं वो किसी की औकात नहीं है कि वो एनकाउंटर कर सके। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।